हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़गट्टा। हम लोग यहाँ इसे हवा मिठाई बोलते हैं। हमने बचपन में इसे खूब खाया है और करीब करीब सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ तैयारी पहले ही करके रख लेना होता है, क्योंकि बाद में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। एक थाली लिया है मैंने, इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ बटर पेपर रख लिया है। आपको जिस भी बर्तन में गुड़गट्टा को सेट करना हो उसे पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड मूँगफली के टुकड़े, 2 से 3 कटा हुआ पिस्ता, 1 छोटा चम्मच रोस्टेड सौंफ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बाकी ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो गुड़गट्टा के ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। एक कढ़ाई ले लिया है, 1/4 कप पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम गुड़ ले लिया है। आप अपने पसंद के अनुसार गुड़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐड कर लेंगे, गैस ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हमें पूरे टाइम लो पे ही रखना है। गुड़ को अच्छे से घुलने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे गुड़ को उलट पलट कर देंगे। गुड़ अच्छी तरह से घुल चुका है। अब केयरफुली चलाते हुए चाशनी तैयार करना है। चाशनी को चेक करने के लिए पहले से ही एक बाउल में पानी लेकर रख लेंगे पास में। चाशनी हमारी गाढ़ी होने लग गई है, एक बाउल में पानी ले लिया है। थोड़ी सी चाशनी पानी में डालेंगे, कुछ देर ठंडा होने देंगे। चाशनी चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे चाशनी अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ वैसे फोल्ड हो रहा है, तो चाशनी को हमें अभी और पकाना है। अब इस स्टेज पे बिल्कुल केयरफुली चलाते हुए पकाना है हमें, क्योंकि चाशनी हमारी गाढ़ी होने लग गई है। चाशनी को थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करते रहेंगे, फिर से पानी में कुछ ड्रॉप्स डाल के देखेंगे चाशनी की। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, चेक कर लेते हैं। अभी भी चाशनी से सॉफ्ट बॉल ही बन रहा है, तो चाशनी अभी और पकाना है। फिर से पानी में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, ठंडा होने देंगे। चारों तरफ से समेटते हुए चाशनी को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। चेक कर लेते हैं, अभी और पकाना है। हमें तब तक पकाना है जब तक कि ऐसे करने पे कड़क होकर टूटने ना लग जाए। चाशनी हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल झागदार सी हो गई है। फिर से चेक कर लेंगे, पानी में रखेंगे चाशनी, ठंडा होने देंगे। इस बीच हमें चाशनी को लगातार चलाते रहना है। चेक कर लेते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल किट किट की आवाज़ आ रही है, अच्छे से टूट रहा है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि चाशनी का कलर बिल्कुल लाइट हो गया है और फ्लफी होने लग गया है। चाशनी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब चाशनी को तैयार किए हुए प्लेट में रख लेंगे। अब प्लेट को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, टैप भी नहीं करना है, नहीं तो इसके अंदर जो जालियां हैं वो टूट जाएंगे। ये जो हमने तैयार करके रखा है ड्राई फ्रूट्स, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसे ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा गुड़गट्टा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको प्लेट से बाहर कर लेते हैं और बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। बटर पेपर रिमूव कर लिया है, चाकू से निशान लगा लेंगे। तोड़कर देख लेते हैं, बहुत ही क्रंची बना है। थोड़े से बटर पेपर चिपक गया है, इसको आराम से निकाल लेंगे। गुड़गट्टा बहुत ही अच्छा बना है, आप देख पा रहे होंगे। और छोटे छोटे पीस तोड़ लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे अंदर से जालियां दिख रही होंगी आपको, बहुत ही क्रंची बना है। देख पा रहे होंगे कैसे ये टूट रहा है। मैंने इसमें सिर्फ पानी और गुड़ डाला है, सिर्फ 2 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी गुड़गट्टा बन के तैयार हुआ है।
तो आप भी इस तरीके से अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए गुड़गट्टा जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।